हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं विकास केयर इंस्टीट्यूट गरुण आज आप लोगों को हिंदी के इतिहास के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज सीखते हैं हिंदी के इतिहास में क्या चीज़ आती है। देखिए, सबसे पहला शब्द आ रहा है हिंदी, तो हिंदी के बारे में ही पहले अपन सीखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, सभी टॉपिक। जैसे सबसे पहला टॉपिक है आपका हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सब पहले देखेंगे। यहाँ तो अभी हम पूरी भाषा के बारे में सीखने वाले हैं, तो भाषा के पहले हमें उस शब्द की उत्पत्ति के बारे में सीखना है, जो शब्द कैसे आ रहा है, ये भाषा फिर कैसे क्या चीज़ है, विभाषाएँ क्या है, बोलियाँ क्या है, मातृभाषाएँ क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भाषा परिवार क्या चीज़ होते हैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। भाषाओं का क्या क्रम है, यहाँ पे कैसे कोई चीज़ भाषा बन रही है या फिर यहाँ पे क्या चीज़, अपभ्रंश क्या है, हिंदी के उपभाषाएँ बोलियाँ क्या हैं, संविधान में भाषा का कैसे विकास हो रहा है, संविधान में किस भाषा के बारे में सीखें, हिंदी की लिपियाँ वगैरह, ये सब चीज़ क्या होते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपको SI में 2 से 3 नंबर आपको देके जाएगा। किसी भी स्टेट का SI हो सकता है ना, तो वहाँ पे आपको ये 2 से 3 नंबर का दे सकता है, या फिर आप UP TET वगैरह या फिर किसी भी MP TET वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आप लोगों ने और इससे एडवांस लेवल की यदि स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो यहां पे शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सीखना है, तो पहले शब्द की उत्पत्ति आप लोग हिस्ट्री वगैरह तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में सुना ही आप लोगों ने, है ना। तो ये भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इतिहास चल रहा था वो कहाँ से, आप ये जानते हैं कि आर्यों की संतान है हम, शायद ऐसा आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा। और आर्य आने वाले कहाँ के थे ये भी आप लोग जानते थे कि मध्य एशिया से आर्य आए हुए थे। मध्य एशिया, ये मध्य एशिया यानी यूरोप और अफ्रीका और भारत यानी, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र हो रहा है वह मध्य एशिया है। ठीक है, और मध्य एशिया से आने वाले जो थे वो कौन थे, आर्य कहलाते थे। ठीक है, इसके पहले भी आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं यहाँ पे कैसे कैसे हैं, यहाँ अरबी लोग रहते हैं, फारसी लोग रहते हैं, मिस्र लोग रहते हैं, ये सभी के सभी रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता था कि जब आर्य भारत आते थे, यानी जो अरबी या फिर तुर्की या फिर फारसी लोग जब भारत आते थे वो किस नदी को पार करते थे, वो इंडस नदी को पार करते थे। ठीक है, इंडस नाम यहाँ पे जो सिंधु आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, तो सिंधु को जब पार कर रहे हैं यहाँ पे, और कहाँ पहुँच रहे हैं, भारत पहुँच रहे हैं, यानी इंडिया भारत। ठीक है, तो ये जो इंडस नदी थी वो सिंधु नदी थी, और वो कहने वाला कौन था भाई, आर्य कहने वाले थे। आर्य कहाँ से निकल बिलोंग कर रहे थे, अरब स्टेट से, या फिर अरब के साथ साथ फारसी, यहाँ पे पर्शियन आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे फारसी वाले लोग रहते थे। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ थी, इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किस शब्द से हो रही है, हिंदू यानी सिंधु शब्द से। ठीक है, और इस सिंधु शब्द की उत्पत्ति यहां पे जो फारसी में कहने का अनुवाद हो रहा है वह किस अनुवाद से यहां पे संबंधित है भाई। देखिए, वहां पे जो सा था उस सा को हा में प्रोनाउंसिएट करते थे, और जो धा था उसको दा में प्रोनाउंसिएट करते थे। ठीक है, तो ये कौन कर रहा था भाई, ये आर या फिर वहां के रहने वाले लोग जो मध्य एशिया में रह रहे थे। ठीक है, तो वहां से ये शब्द बनता है कौन सा भाई, सिंधु से हिंदू बन गया, और हिंदू से जो बोली जाने वाली भाषाएं हो गई वह कौन सी हो गई, हिंदी हो गई। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस लोगों के द्वारा या किस भाषा के द्वारा होती है, तो वहां पे भाषाएं कौन सी थी भाई, अरबी थी और फारसी थी, और उस भाषा के द्वारा कौन किसकी शब्द की उत्पत्ति हुई, हिंदू शब्द की, और हिंदू शब्द की यानी हिंदू जो लोग हैं वो बोलेंगे किस लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हो रही है, तो किस भाषा से हो रही भाई, अरबी और फारसी से। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है SI में कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो सीधे आपको समझ में आ रहा है पहले शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है, अरबी और फारसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, यहां पे चलिए दूसरा टॉपिक था हमारा, आप लोगों ने यदि देखा हो कि भाषा, उपभाषा, विभाषा, बोली और मातृभाषा में क्या डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले छोटी यूनिट को लेकर चलते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे मातृभाषा के बारे में, तो सभी लगभग जानते हैं।
ठीक है। क्या होती है मातृभाषा भाई? मातृभाषा वह चीज है जो हमारी माता के द्वारा सिखाई जाए, सीधे सीधे, ठीक है। यानी ऐसा कोई क्षेत्र हो सकता है या स्पेसिफिक क्षेत्र होगा, बहुत ही छोटा क्षेत्र है, जिसमें यह बताया जाएगा कि हमारी एक मातृभाषा यानी माता जहां की थी वहां की जो बोली जाने वाली भाषा हो गई वह कैसी हो गई, मातृभाषा। सबसे पहले तो आप यहां पर मातृभाषा का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। अब देखे दूसरा हम आते हैं बोली के बारे में, ठीक है। तो जो मातृभाषा है वह तो माता के द्वारा सिखाई गई। अब माता किसी स्टेट से बिलोंग कर रही है तो स्टेट में कोई एक गांव या कस्बा हो सकती है, स्टेट में बहुत सारे जिले होते हैं और वहां पे बहुत सारे गांव होते हैं, तो जिस गांव से बिलोंग कर रही है उस गांव में बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारी बोलियां होंगी, यानी बोले जाने वाली प्रोनाउंसिएट करने वाली चीज़ें बहुत सारी अलग अलग होंगी, हो सकती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो बोली का प्रोनाउंसिएट हो रहा है इसका मतलब ये है कि ऐसी भाषाएं यानी ऐसी मातृभाषाएं जो मिलकर थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा कर सकते हैं, या जो मातृभाषाएं क्षेत्र में थोड़ा बड़ा हो जाएं, बड़ी हो जाएं, और बड़ी होने के साथ साथ इनमें कहीं पे भी साहित्यिक रचना नहीं होनी चाहिए, साहित्यिक रचना नहीं होनी चाहिए। यदि साहित्यिक रचना होने लगेगी और क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो कहलाता है विभाषा। जैसे यहाँ पे उपभाषा या फिर विभाषा कहलाता है। कब? जब इस बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाए और बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पे साहित्यिक रचना होने लगे तो वो कहलाती है विभाषा। और वही बोली जब मातृभाषाएं मिल जाएं और उसमें साहित्यिक रचना ना हो तो वो कहलाती है बोली, और जब साहित्यिक रचना होने लगती है तो वो कहलाती है विभाषा या उपभाषा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन भाषा वाले सेक्शन में। अब देखिए ये सारी के सारी डेफिनेशन आपको साहित्यिक तौर पे मिल रही हैं, है ना। तो ये सारी के सारी डेफिनेशन आपको साहित्यिक तौर पे मिल रही हैं, तो हम भाषा वाले सेक्शन में आते हैं जहाँ पे आपको साहित्यिक रचना मिल जाए। भाई साहित्य तो मिल ही रहा है ना। यहाँ पे भाषा में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं देखिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी साहित्यिक रचनाएँ मिल रही हैं, साहित्यिक के साथ साथ राजनैतिक तौर पे प्रयोग होने लगे, राजनीतिक के साथ साथ आपको सांस्कृतिक भी प्रयोग होने लगे। देखिए कोई भी यदि भाषा कहलाएगी तो वह भाषा कब बनेगी, जब उसमें साहित्य लिखा जाने लगे, यानी कुछ भी लेख वगैरह या फिर राई वगैरह जैसे गीत वगैरह होते हैं ये सब चीज लिखे जाने लगे, या फिर उसे राजनीतिक तौर पे प्रयोग किया जाने लगे, ठीक है, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए वो, या फिर सांस्कृतिक तौर पर यानी वहाँ पर नाटक वगैरह उसी पर फिल्माए जाने लगे, तो फिर वो कैसे हो जाएगी, उसे हम भाषा बोलेंगे, ठीक। भाषा, अब ये तो आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस जो मैंने आपको बोली की बताई, जो मैंने आपको मातृभाषा की बताई, जो मैंने आपको विभाषा या उपभाषा की बताई, ये तो साहित्यिक डेफिनेशन हो गई, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इन सब चीजों का कैसे जिक्र किया गया है? तो देखिए संविधान में सीधे भाषा को यह बोल दिया, किसी अभिव्यक्ति विशेष की भाषा जो व्यक्ति समझ सके या बोल सके या बिना बोले या लिखे हुए किसी को समझा सके वही एक भाषा होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक साहित्यिक या फिर संविधानिक तौर पे हो गए, ठीक है। तीसरा टॉपिक था हमारा हिंदी के भाषा परिवार, ठीक है। तो भाषा परिवार देखिए, पूरे विश्व में लगभग 206 कंट्रियां हैं अभी, ठीक है। उन पूरे विश्व में लगभग हम ऐसा मानते हैं कि 3000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, ठीक है। अब देखिए हम तो हिंदी के बारे में बस सीखना चाह रहे हैं और यहाँ तो 3000 से ज़्यादा भाषाएं हो रही हैं, ठीक है। तो पूरे विश्व में कुछ ना कुछ परिवार होंगे, किसी ना किसी से तो निकल के आई होगी, हम तो ऐसा नहीं मानते, पर हमारे इतिहास में किसे साक्ष्य माना जाता है भाई, जो लिखित तौर पे होता है, और लिखित तौर पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, सीधे सीधे आप देखिए एक भाषा का विकास क्रम बना हुआ है कि किस भाषा के द्वारा या फिर किस भाषा के द्वारा हम अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं या आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए विकास परिवार में हमारे यहाँ जो भाषा परिवार हो रहा है, भाषा परिवार में चार परिवार हैं पूरे विश्व में जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है
भारोपीय, चीनी तिब्बत, इसको पठारी भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। ठीक है, ये चार भाषाई परिवार है जो पूरे विश्व में 3000 भाषाओं के भाषा परिवार है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, देखिए भारोपी पूरे 3000 भाषाओं का 73% कवर करने वाला है, यानी जो 3000 भाषाएं हैं वो भारोपी से निकल के आ रही हैं, और वो कितनी है, 73% भाषाएं 3000 की भारोपी परिवार की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी तिब्बत और ऑस्ट्रिक, ये छोटे हैं, पर यहाँ पे 25% जो भाग है वह द्रविड़ भाषा का है, यानी जो 3000 भाषाओं में 25% भाग रख रही हैं वो द्रविड़ भाषाएं हैं। चीनी तिब्बत और ऑस्ट्रिक यहाँ पे 1.3 है और चीनी तिब्बत 0.7% यहाँ पे चीनी तिब्बत का है। ठीक है, जो कि पहाड़ी लैंग्वेज हो सकते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए जो हिली स्टेशंस वगैरह हैं हमारे यहाँ पे पूरे विश्व में, जो हिली या फिर जो अलग हैं, कट गए हैं, जो विश्व से थोड़ा अलग हैं उनमें, और ऑस्ट्रिक लैंग्वेज वगैरह 1.3% है। ठीक है, तो यहाँ पे भारोपी परिवार है। अब यहाँ पे भाई हमें हिंदी के बारे में सीखना है, तो भारोपी की एक आर्य शाखा होती है, भारतीय यूनानी, भारतीय यूनानी ये क्या है, उपशाखा है। ठीक है, भारतीय यूनानी एक उपशाखा है किसकी, भारोपी की, और उसके बाद भारतीय आर ये शाखा है जो कि हिंदी परिवार को बिलोंग करती है, या फिर ये समझ लीजिए जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पे परिवार बनते हैं, एक बेटे के बाद फिर उसके बाद फिर उसका बेटा, तो इसी तरह यहाँ पे भारोपी का भारतीय यूनानी एक ब्रांच है यानी शाखा है, उसके बाद भारतीय आर और भारतीय आर के बाद हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी हिंदी निकल रही है वो किस परिवार की भाषा है, कई बार क्वेश्चन सीधे यही पूछता है कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो वो किस परिवार की है, भारोपी परिवार की, जो कि 73% पूरे विश्व से कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज़ जाना, हमारे यहाँ चार परिवार हैं, चारों परिवार के बारे में आपने सीख लिया, इसमें से कौन सा कितना है हमारे लिए सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाकी आपको नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा था हमारा, यानी भाषाओं के विकास क्रम की एक दर बनाई गई है, यानी कैसे कैसे भाषाएं बन रही हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं उनके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा का विकास क्रम, नेक्स्ट जो भी हेडिंग, चौथी हेडिंग थी अपनी भाषा का विकास क्रम, ठीक, तो हमारे यहाँ हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे यहाँ लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो कैसे साक्ष्य मिल रहे हैं, भाई सबसे पहले तो हमें वेद वगैरह पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो वेद वगैरह जो लिखे होते थे वो कैसे होते थे, संस्कृत के होते थे। ठीक है, तो सबसे पहली जो लिखित तौर पे भाषा मिल रही है वो हमें कौन सी मिल रही है, संस्कृत मिल रही है। नेक्स्ट, संस्कृत के बाद जो हमें मिल रही है वह कौन सी मिल रही है, पाली। नेक्स्ट, प्राकृत। नेक्स्ट, अपभ्रंश। नेक्स्ट, अवहट्ट। अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी, हिंदी, और प्राचीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है भाई, भाषा का विकास क्रम, या फिर आप ये समझिए कि किस भाषा में हम इसे विकसित करेंगे, तो किस भाषा में सबसे पहली जो भाषा है हमारी वह कौन सी है भाई, संस्कृत, है ना। तो संस्कृत भाषा में भी दो भाषाएं थी, कौन कौन सी थी, यहाँ पे एक भाषा आपने सुना हो शायद लौकिक संस्कृत के बारे में, और एक आपने सुना हो वैदिक संस्कृत के बारे में। यदि नहीं जाना तो देखिए क्या है लौकिक और क्या है वैदिक। देखिए वेद वगैरह जो होते थे
वेद वगैरह आज तक हम ऐसा मानते कि किसी ने नहीं पढ़ा है ना, जिसने भी पढ़ा है वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं कर पाया है, कुछ साक्ष्य बस पढ़ पाए हैं, उसके लिए उपनिषद वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। तो हमें जो वैदिक संस्कृत होती है उस वैदिक संस्कृत को तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, मतलब टोटली उसका जो अर्थ है वो नहीं एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो फिर पढ़ कौन सी सकते हैं हम? लौकिक संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितनी भी भाषाओं का उद्गम हो रहा है या जितनी भी भाषा अपभ्रंश हो रही है या यहाँ पे जैसे भी भाषाएं हिंदी भाषा का विकास हो रहा है वो किस भाषा से होने वाला है? लौकिक संस्कृत से। तो लौकिक संस्कृत से जो भाषा सबसे पहले अपभ्रंश हो रही है, अपभ्रंश का मीनिंग ये होता है कि जो टूटना या बिगड़ा स्वरूप, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप होना यानी कि वह उसका अपभ्रंश कर देना या टूट जाना अदर भाषाओं में, ठीक है। तो सबसे पहला जो लौकिक का ब्रेक हो रहा है या टूटने वाली है वो किस में टूट रही है? पाली में, ठीक है। तो पाली जो है यहाँ पे इसे हम कई बार प्रथम प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, प्रथम प्राकृत, ये द्वितीय और ये तृतीय है ना। तो पाली यहाँ पे जो थी, पाली हम किस नाम से भी जानते हैं? यहाँ पे प्रथम प्राकृत। पाली किसके द्वारा यूज की गई लैंग्वेज थी? यहाँ पे पाली जो यूज की गई थी वो बौद्धों के द्वारा यूज की गई थी, है ना। आप ये जानते हो, जबकि जैन पहले आते हैं, जैनिज्म पहले आता है इतिहास में, और यहाँ पे जो बौद्ध थे वो उसके बाद आने वाले थे, पर यहाँ पे जो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है वह किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो प्रथम प्राकृत भाषा बनी वो कौन सी बनी? पाली बनी। दूसरा पूछा जाता है कि यह बताइए कि प्राकृत भाषा जो है वो किस, इसे किस नाम से, दूसरे नाम से भी जाना जाते हैं? इसे हम बोलते हैं द्वितीय प्राकृत, इसे हम बोलते हैं द्वितीय प्राकृत, या फिर प्राकृत के नाम से ही जाना जाता है इसे, ठीक है। तो द्वितीय प्राकृत ये किसके द्वारा यूज की गई थी? यहाँ पे जैनिज्म के द्वारा, यानी जैनों के द्वारा यूज की गई भाषा होती है। अपभ्रंश, अवभट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, इनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जो अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ स्वरूप या तृतीय प्राकृत भाषा, तृतीय प्राकृत भाषा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे अलग अलग बनते हैं। अपभ्रंश के बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जानेंगे। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाषा के विकास क्रम किसके अनुसार बढ़ता है या घटता है, कैसा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन आता है कि संस्कृत के बाद क्या पाली आती है या फिर प्राकृत आती है, ठीक है। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा कि यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ मिले, हो सकता है प्राकृत पहले हो जाए, बस आपको इस क्रम को याद रखना है कि संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अवभट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का मतलब ये है जो आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम सुना है तो इंग्लिश बोलते हैं उसे, तो वो चीज़ हम ऐसा मानते हैं कि आधुनिक हिंदी हमारी इंग्लिश है जो आजकल हम यूज करते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्स करके, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी तक, ठीक है। तो ये हमारा विकास क्रम यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी हम किससे निकल के जा रहे हैं? लौकिक से, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अवभट और प्राचीन, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, ये वाला सेशन कंप्लीट किया, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि अरबी और फारसी से मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे भाषा के बारे में हमने सीखा है, विभाषा और उपभाषा के बारे में जान गए हैं, बोली और मातृभाषा इनके बारे में सीख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन था हमारे पास भाषा परिवार के बारे में, तो हमने उसके बारे में भी जाना है, और भाषा का विकास क्रम देखा हमने जो संस्कृत वगैरह से बन के चल रहा था, ठीक है। तो इनके बारे में जाना है।
चलिए नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे चलेंगे। जो पांचवा हमारा पार्ट बन रहा था वो क्या था, अपभ्रंश के भेदों से था, और वहां पे हम पांचवा सेक्शन अपभ्रंश के भेदों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो हमारे जो भी वीडियो है उनको लाइक कीजिएगा। आज के सेशन में हमने जो चीज़ कंप्लीट किया है उसके बारे में जो भी आपके सुझाव हैं वो सभी कमेंट करके दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।